क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। तो अगर आप भी गुजरात टाइटंस की एक अच्छी टीम मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों, गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स का आईपीएल 2022 का पहला क्वालिफायर मुकाबला धूमधड़ाके से शुरू हुआ। दोस्तों, टॉस की अगर हम बात करें तो टॉस भी काफी ज्यादा जरूरी था आज, और इस तूफानी मुकाबले में हार्दिक पांड्या जो गुजरात टाइटंस के कप्तान है, इन्होंने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला। आइए शुरुआत आपको बताते हैं। दोस्तों, जॉस बटलर और जेसी जायसवाल के बीच में साझेदारी खराब रही, जिसके चलते इस मुकाबले में यश दयाल की इस गेंद पर इस तरह से एच दे बैठे यशस्वी जायसवाल और गेंद जाकर गिरी हमारे वृद्धिमान साहा की गोदी में, जिसके चलते इस मुकाबले में जायसवाल 3 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे इस मुकाबले में। दोस्तों, उनके बाद मैदान पर संजू सैमसंग ने आक्रामक शॉट्स लगाए और तूफानी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे 47 रन तक पहुंच गए थे। दोस्तों, तभी साई किशोर की इस गेंद पर 3 रन दूर थे अपने अर्धशतक से और बड़ा शॉट खेल बैठे, और बाउंड्री पर इस तरह से अल्सर रिजोसर ने इनकी शानदार कैच पकड़ी और मात्र 3 रन से चूक गए संजू सैमसंग अपने अर्धशतक से। 47 रन बनाए सैमसंग कप्तान ने 26 गेंदों का सामना करते हुए तूफानी पारी खेली। दोस्तों, उनके बाद जॉस बटलर ने और भी तूफानी बल्लेबाजी की और उनका साथ दे रहे थे धमार। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इसी शॉट के साथ जॉस बटलर ने 41 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, लेकिन उनके बाद एक और विकेट गिरी। हार्दिक पांड्या की इस गेंद पर बोल्ड होकर रह गए सिरियो से पडिगल 28 रन बनाकर। दोस्तों, आप सभी को बता दें, उनके बाद आउट हुए शिमरॉन हेटमायर। दोस्तों, रशामी की ये गेंद थी, बड़ा शॉट तो खेल बैठे शिमरॉन हेटमायर, लेकिन बॉडी पर तैनात थे राहुल द्विवेदिया, जिसके चलते इस मुकाबले में शिमरॉन हेटमायर मात्र 4 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों, अंत तक इस मुकाबले में शैतानी बल्लेबाजी की एक और बार जॉस द बॉस ने। दोस्तों, इस मुकाबले में जॉस बटलर ने 90 रनों की धाकड़ पारी खेली, 56 गेंदों में 2 छक्के 12 चौके जड़कर, जिसके चलते 188 रन तक पहुंचा दिया बटलर ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से 6 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों, 188 रन लगा दिया राजस्थान की टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में इतने टारगेट का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम। दोस्तों, शुरुआत गुजरात टाइटंस की खराब रही। दोस्तों, ट्रेंट बोल्ट की इस बाहर जाती हुई गेंद पर एच से बैठे वृद्धिमान साहा ने बल्ले का और सैमसंग ने शानदार कैच पकड़ी, जिसके चलते वृद्धिमान साहा 0 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों, उनके बाद वेड और शुभमन गिल के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप हो ही रही थी, तभी दूसरा रन लेने के चक्कर में शुभमन गिल दूसरे एंड से रन आउट हो बैठे। पदिकल और हेटमायर गया तो 35 रन बनाकर शुभमन गिल 21 गेंदों का सामना करते हुए रन आउट हो बैठे। दोस्तों, उनके बाद मैथ्यू वेड भी 35 रन बनाकर अच्छी पारी खेल ही रहे थे, तभी मैकोई की शॉट गेंद पर बाउंड्री पर करे इस तरह से जॉस बटलर को अपनी कैच दे बैठे और मैथ्यू वेड 35 रन बनाकर 30 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों, लेकिन उनके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या आए मैदान पर और उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे डेविड मिलर। दोस्तों, 17 ओवर तक मुकाबला बेहतरीन चल रहा था और सिर्फ 18 गेंदों पर 34 रनों की दरकार थी गुजरात को जीतने के लिए, और हार्दिक पांड्या 40 और डेविड मिलर 35 रन पर नाबाद खेल रहे थे। ऐसे में दोनों के बीच में काफी ज्यादा तगड़ा मुकाबला हो रहा है गुजरात और राजस्थान के बीच में। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन सी टीम इस साल आईपीएल जीत पाएगी? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं।